बीते 13 फरवरी से किसानों का एक बड़ा समूह दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहा है। इस समूह में हरियाणा और पंजाब के किसान शामिल हैं। उधर सरकार और किसान 4 बार वार्ता भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। जब भी किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन्हें बीच में रोक देती है। कई बार तो किसानों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, यहाँ तक कि रबड़ की गोलियाँ भी चलानी पड़ी। किसानों का यह विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर है। किसान MSP के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई मांगों पर अड़े हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इन किसानों की मांगें क्या हैं। सभी 23 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी, सभी फसलों का भाव स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत से 50% अधिक दिया जाए, किसानों पर चढ़े कर्ज को माफ़ किया जाए, किसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति महीने पेंशन की व्यवस्था लागू की जाए, बिजली संशोधन बिल 2022 को रद्द किया जाए, लखीमपुर खीरी में घायल हुए किसानों को उचित मुआवजा मिले, परिवार में किसी एक को नौकरी दी जाए, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सजा मिले, कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनों में जिन किसानों पर केस दर्ज हुआ है उन्हें रद्द किया जाए, उन प्रदर्शन में मृत किसानों के परिजन को उचित मुआवजा दिया जाए। देखिए, हरियाणा, पंजाब और भारत का जो किसान है वो केंद्र सरकार से जो वायदा केंद्र सरकार ने किया था कि किसानों के MSP खरीद का गारंटी कानून बनाएंगे और जो किसानों की कर्ज है, मजदूरों के ऊपर कर्ज है, उसको पहली कलम से माफ करने का काम करेंगे, और दूसरा जो किसानों की ज़मीनें भूमि अधिग्रहण का एक कानून है जिसके तहत सरकार ज़मीनें लेती है, उसमें बदलाव करने के माध्यम से लूटने का काम कर रही है। इन मांगों को लेकर जो देश की राजधानी है दिल्ली, वहां किसान जाना चाहता है और केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहता है। उसी को लेकर हरियाणा पंजाब के किसानों को ये कॉल दी गई थी कि सारे किसान यहाँ शंभू टोल पर इकट्ठा होंगे और यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब का किसान यहां पहुंच गया, लेकिन हरियाणा सरकार ने जबरदस्त बैरिकेडिंग करके किसानों को रोकने का काम किया और हरियाणा को तो एक तरह से खुली जेल में तब्दील कर दिया। जो हालात कश्मीर के कभी सुनते थे कि वहां इंटरनेट नहीं चलता, वो हालात आज हरियाणा के हैं। हरियाणा का किसान आज अपना ट्रैक्टर लेकर घर से बाहर नहीं निकल सकता, उसकी RC रद्द करने का उसको डर दिखाया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है अगर वो किसानी का झंडा लगा कर ये कहे कि मैं आंदोलन में जाऊँगा। हरियाणा के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, पासपोर्ट बना के विदेश में जाना चाहते हैं, उनको सरकार ने धमकी दे दी कि अगर आप आंदोलन में गए और हमें पता चला तो आपका पासपोर्ट रद्द कर देंगे। हरियाणा में रोजगार मिलता नहीं, विदेश में सरकार जाने से युवाओं को डराती है, लेकिन फिर भी जैसे मैं हूँ ऐसे हरियाणा का हजारों किसान हर रोज हरियाणा की पुलिस से, सरकार से बचता बचाता यहाँ आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, यहाँ आता है ताकि हमारे ये हक अधिकार की बात है सरकार तक पहुंचे। लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सरकार ने लगाई और जो हरियाणा पुलिस सामने खड़ी है, वो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ड्रोन से उनके ऊपर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, प्लास्टिक की गोलियां, हमारे 500 के करीब हरियाणा पंजाब के किसान घायल हो गए और 100 के करीब को जो उनकी आंखों में दिक्कत है कुछ एक की, उनको गंभीर चोटें लगी हैं। देखिए, सबसे पहली डिमांड जो किसानों की मांग है वो है कि MSP खरीद का गारंटी कानून बनाया जाए। देखिए, सरकार ने एक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया था, आप जानते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर MS स्वामीनाथन थे, जिसको सरकार ने भारत रत्न देने का भी काम किया। तो किसानों की मांग ये है कि MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसमें जो सिफारिशें उन्होंने की थी कि कैसे फसलों की कीमत तय होनी चाहिए, वो उस हिसाब से सरकार फसलों की कीमत तय करे, जो पहली डिमांड है। और एक गारंटी खरीद का कानून बनाए कि किसान जो फसल पैदा करता है उसके ऊपर जो लागत होती है और उसकी जो कीमत है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से तय करी जा और एक कानून बनाया जा कि फसल जो है उसी कीमत पर बिके, उससे कम कीमत पर किसान की फसल ना बिके। पहली मांग। दूसरी मांग किसानों की है, पहली मांग MSP खरीद की गारंटी कानून जो मैंने बताया। दूसरी मांग किसानों की है कि क्योंकि हमें किसानों को जो फसलों के दाम है वो जो MSP खरीद के गारंटी कानून होना चाहिए था, जो कीमत तय होनी चाहिए थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से, उस तरीके से हमें कीमत नहीं मिली, किसान घाटे में चले गए, कर्जई हो गए, और जो किसानों के ऊपर कर्जा है उसको सरकार माफ़ कर दे, जैसे पूंजीपतियों का 14.5 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल के माफ़ करया, इसी तरह किसान का जो कर्जा है मजदूर का है उसको भी एक बार सरकार पूर्ण कर्जी से मुक्त कर दे। तीसरी जो मुख्य डिमांड है, मुख्य मांग है सरकार से, वो है किसानों की कि जो जमीन सरकार लेती है किसानों से, जिसे भूमि अधिग्रहण भी बोलते हैं, कि उस कानून में बदलाव करे।
देखिए किसानों का हमारा ये मानना है कि मलकियत के दो पैमाने होते हैं कि कोई किसी जदाद का जमीन का मालिक है वो कैसे तय होता है, कैसे पता चलता है। वो पता चलता है कि उसको बेचूं या ना बेचूं, ये मेरी मर्जी किसान की। अगर मैं बेचूं भी, सरकार कहा भी मानने जरूरत है उसकी, तो कम से कम कीमत तो हमारी मर्जी की तय होनी चाहिए। जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें ना तो किसान की मर्जी से कीमत तय होती है और ना ही किसान की मर्जी जानी चाहती है कि वो जमीन लेना चाहता है नहीं। इन मांगों को लेकर तीसरी मांग कि देखो कानून का शासन है देश में। लखीमपुर खीरी में सारे देश ने देखा, सारे आम किसानों के ऊपर जो प्रदर्शन शांति से कर रहे थे उनके ऊपर जीप चढ़ा के उनकी हत्या करने का काम किया। वो टैनी मिश्रा आज भी सरकार में भागीदार है, हिस्सेदार है कि कहीं ना कहीं इंसाफ सरकार दे कानून के शासन के हिसाब से, जो कानून कहता है किसानों को, जो लखीमपुर का इंसाफ है। ऐसे ही किसानों की पराली कानून को लेकर मांग है हरियाणा में, जो पराली जलाने के मुकदमे दर्ज होते हैं। और दूसरी मांग जो किसानों के बिजली कानून है उसमें संशोधन की मांग है। ऐसे अनेक मांगे हैं, मुख्य रूप से तीन मांगे। पहली मैंने बताई, MSP खरीद का गारंटी कानून सरकार बनावा कि जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें उससे कीमत तय हो, उससे कम कीमत पे फसल ना बिके। दूसरा कर्जा मुक्त किया जाए किसान को और मजदूर को, उनका कर्जा माफ करे। और तीसरी मांग जो किसानों की है कि सरकारी जमीनों की लूट, जो हमारी जमीनों को लूटती है सरकार, उससे हमें मुक्ति दी जाए, उस कानून में बदलाव किया जाए। जब 2020 और 21 में आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन, उसमें मोदी जी ने जो हमारी डिमांड्स है वो मानी थी, वो अभी तक उनको लागू नहीं किया गया, उनको माना नहीं गया। कमेटी बनाई थी लेकिन उनको लागू नहीं किया गया। उन मांगों को दोबारा से हम उनको याद दिलाने आए हैं, MSP विशेष तौर पर उन मांगों को हम दोबारा उनसे याद कराने आए हैं। तो आप पिछले साल भी प्रोटेस्ट में आए थे? हाँ, 2020 और 21 में हुआ था जी। 2.5 साल हमने देखो प्रतीक्षा की है मोदी जी मान जाएं, उनसे कई बार कई दौर की वार्ता भी हुई इसी विषय को लेकर। उन्होंने एक कमेटी भी गठित की थी लेकिन वो कमेटी कुछ कर नहीं पाई और हमें दोबारा, किसान नहीं चाहता कि ऐसा प्रोटेस्ट हो, कोई परेशान हो या हम परेशान हो या हमारा किसान भाई को शहीद हो। देखो इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है, लोग अपना घर बाहर छोड़ के, काम छोड़ के यहाँ पहुँचते हैं। हमारी मजबूरी है सरकार को याद दिलाना MSP या जो हमारी मुखिया मांगे हैं उनको लेकर। सरकार ने हमारे घर पर नोटिस चिपका दिए थे कई दिन पहले, हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर नहीं निकलने दिया। पंजाब सरकार ने थोड़ा यहाँ आने दिया बट हरियाणा सरकार ने लोगों को घर से निकलने नहीं दिया, उनको डराया धमकाया गया। पर अभी जैसे ही बैरिकेड जथेबंदी बोलेगी तोड़ने के लिए, टूटेंगे अम्बाला, तो आगे आप लोग देखेंगे हरियाणा की पूरी किसान साथी जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो हमें आगे मिल जाएंगे। बहुत मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं और आप देख ही रहे हैं यहाँ कितना परेशानी है। पर जो हमारी कौम है, जो हमारे लोग हैं, ये किसान हैं, ये चढ़ती कला वाले लोग हैं, ये घबराते नहीं हैं, हर मोर्चा फतेह करेंगे और ये मोर्चा फतेह होगा हमारा।